सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिलॉय जूस के बारे में। तो गिलॉय का जूस अगर आप पीते हो तो इससे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे आपको पीना होता है, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिए, गिलॉय का जो जूस होता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को बनाती हैं, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारी कंपनीज को बनाती हैं, जैसे कि पतंजलि हो गई, बैद्यनाथ हो गई, डाबर हो गई, और ये सारी कंपनियों के जो है आप खरीद सकते हो लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से, या फिर आप इनको जो है ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो घर बैठे बैठे, वो भी डिस्काउंट के साथ। अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। तो देखिए, अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उधर से जो है आप क्लिक करके घर बैठे बैठे भी गिलॉय जूस को मंगा सकते हो। तो अगर हम बात करें गिलॉय का जूस जो है कैसे बनाया जाता है, तो देखिए सिंपल है। गिलॉय का एक प्लांट होता है, उसको जो स्टेम होती है इसको जो है हम तना कहते हैं, तो उस तने से जो है ये जूस तैयार किया जाता है। तो एक प्रकार से ये नेचुरल जूस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके फायदे के बारे में बात करें तो ये आपको पता होगा, आपने भी सुना होगा कि गिलॉय जो है आपके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देता है, या फिर आपके इम्यूनिटी को जो है बूस्ट कर देता है। इसके अलावा अगर आपको कोल्ड एंड कफ होता है, बार बार सर्दी खांसी होता है, बुखार होती है, तो इस कंडीशन में आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तो उनको जल्दी जल्दी जो है सर्दी खांसी बुखार और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है जल्दी जल्दी होती हैं। तो देखिए, अगर आप गिलॉय का जूस लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कभी बीमारी नहीं होगे या आपको सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी नहीं होगा क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो स्ट्रांग हो जाता है। अब इधर बुखार आपका किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, स्वाइन फ्लू हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, आप जो है गिलॉय को जूस को ले सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और ये जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम भी करता है, प्लेटलेट्स जो काउंट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होता है उसको बढ़ाता है, जो कि हमको फीवर होता है बुखार के कारण होता क्या है कि प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा जो डाउन हो जाते हैं, तो उसको बढ़ाने का काम भी करता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये जो है आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है गिलॉय का जूस। और ये जो है आपकी स्किन के हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको बार बार चर्म रोग होता है, उस कंडीशन में आप गिलॉय का जूस ले सकते हो, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा, जिस कारण जो स्किन का जो इन्फेक्शन हो रहा है, आपको जो चर्म रोग हो रहा है ना, वो भी आपको नहीं होगा। इसके अलावा आपके लीवर के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आपको जॉइंटिस पीलिया बार बार हो जाता है या फिर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी गिलॉय जूस काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, आपके बॉडी से जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं ना, उनको जो है निकालने का काम भी करता है। और अगर आप एनीमिया के पेशेंट हैं तो उस कंडीशन में भी ले सकते हो, या फिर आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या यूरिन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उस कंडीशन में भी जो है गिलॉय का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपको गाउट है, जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और इसमें होता क्या है कि जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी दर्द करते हैं और उनमें जो स्वेलिंग आ जाती है, लालपन आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका यूरिक एसिड जो है कंट्रोल करने के लिए भी जो है लोग यूज़ करते हैं गिलॉय के जूस को। इसके अलावा अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको गठिया बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी जो है यूज़फुल है ये गिलॉय का जूस। और आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में दर्द होता है, तो उसमें भी जो है यूज़फुल होता है। इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर जो है आपकी आंखों के लिए भी अच्छा होता है गिलॉय का जूस। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं ना, तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, आपके शुगर लेवल को जो है डाउन करने का काम भी करता है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए गिलॉय का जूस काफ़ी यूज़फुल होता है। इधर मतलब गिलॉय का जूस जो है काफ़ी जो है यूज़फुल है, मतलब एक प्रकार से इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और बहुत सारे जो है इसके हेल्थ में बेनिफिट हैं, और ये प्रूफ भी हुआ है। तो देखिए, फ़ायदे के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब डोज क्या है, कैसे लेना है, तो देखिए डोज डिपेंड करता है जिस भी कंपनी का आप ये गिलॉय का जूस ले रहे हो। अब देखिए, जिस भी कंपनी का लोग है ना, जिस भी कंपनी की ये बॉटल लोग है ना, उसके पीछे लिखा होता है, लेकिन इधर जो है मैं जनरल डोज के बारे में बता देता हूँ। इसको जो है 10 से 20 ml लेना होता है, और इसको आप एक दिन में दो बार तक ले सकते हो, और इसको जो है कुछ भी खाने के बाद भी ले सकते हो, खाने के पहले भी। तो देखिए, इधर मैंने पहले ही बोला है कि कुछ कुछ कंपनियां बोलती हैं कि खाली पेट लीजिए, सुबह लीजिए या खाली पेट लीजिए, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसा भी बोलती हैं कि भाई खाने के बाद लीजिए। तो देखिए, मैं इधर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप गिलॉय का जूस कभी भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी, खाने के बाद भी, बस आधे घंटे के डिफरेंस होना चाहिए। अगर खाने के पहले लेना है तो आधे घंटे पहले, खाने के बाद लेना है तो आधे घंटे बाद।
बाकी जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट लेते हो आप, चाहे वैद्यनाथ का हो, डाबर का हो, पतंजलि का हो, उसके पीछे लिखा होता है। सब कंपनियों का जो है अपना अपना हिसाब, अपना अपना डोज अलग अलग होता है। तो इधर देखिए 10 से 20 एम एल एक जनरल होता है जो मैंने बता दिया, लेकिन इधर आप एक ही बार लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है या फीवर बार बार आता है या आपको फीवर है, तो उस कंडीशन में जो है आप इसको एक दिन में 2 बार तक ले सकते हो। और इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, और बच्चे भी इसको ले सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ले सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से प्रेग्नेंट लेडी इसको ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई भी जूस हो या कोई भी मेडिसिन हो नहीं ली जाती है। अब बच्चों को कैसे देना है, तो देखिए बच्चों को जो है 5 साल से कम है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर 5 साल का या 5 साल से ज़्यादा है तो 5 ml इसको दे सकते हो, वो भी शहद के साथ। तो देखिए इसका जो टेस्ट है कड़वा होता है, तो बच्चे जनरली पानी के साथ नहीं लेंगे, लेकिन इसको जो है शहद के साथ अगर देंगे तो बच्चा आराम से इसको ले सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो है डॉक्टर से सलाह करके जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। अब हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो देखिए साइड इफेक्ट इसका वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज टाइप का हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको बंद कर सकते हो। और इधर इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, अगर आपका शुगर लेवल पहले से डाउन होता है, मतलब डाउन रहता है, तो उस कंडीशन में ना लें, क्योंकि ये शुगर लेवल को डाउन करने का काम भी करता है। तो देखिए डायबिटिक हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पहले से ही आपका शुगर लेवल डाउन रहता है तो उस कंडीशन में इसको ना लें या डॉक्टर से सलाह करें। अब कोई दूसरी मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हो तो उसके साथ इसको ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन पहले से आप अगर कोई गिलोय की टैबलेट ले रहे हो, टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो, तो उस कंडीशन में ना लें, क्योंकि या तो जूस ले लें या तो टैबलेट ले लें। तो इधर ये आपकी मर्जी है। आप बाकी कोई दूसरी मेडिसिन है तो उसके साथ बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो है कम से कम 4 घंटे का डिफरेंस रखें, कोई भी मेडिसिन लेते हैं आप तो अच्छा रहेगा। अब रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो देखिए रिजल्ट जो है 1 से 3 महीने इसको आप आराम से ले सकते हो, 1 महीने बाद ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। और बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है आप 3 महीने में इसको लेके देखें। अब इधर जो है अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेना चाहते हो, तो देखिए आप बीच बीच में इसको लेते रहिए, बीच बीच में छोड़ दीजिए, ऐसा कर सकते हो, इम्यूनिटी सिस्टम जिसमें आपका स्ट्रांग बना रहे। तो जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है, आपने 1 महीने लिया, तो 15 दिन का गैप छोड़ दीजिए, 20 दिन का गैप छोड़ दीजिए, 1 महीने का गैप छोड़ दीजिए, मतलब बीच बीच में जो है अगर आपका इम्यूनिटी सिंपल स्ट्रांग करने के लिए ले रहे हैं तो बीच बीच में लेते रहिए, कंटिन्यूसली लेने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू उन्हीं को लिया जाता है जिनका इम्यूनिटी काफ़ी वीक है, या फिर उनको जो है फीवर है या बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन है, कोई दिक्कत है, तो वो कंटिन्यू ले सकते हैं। अब इधर जो है मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप गिलॉय का जूस लेते हो तो देखिए आपको अल्कोहल नहीं लेना है, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना है, इसके अलावा जो फ्रूट्स जो है आप ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट है तो फ्रूट्स मत लीजिए, वो जो फलों का रस होता है वो भी नहीं लीजिए। और आप जो है टाइम पे नाश्ता करिए, टाइम पे खाइए, और टाइम पर सोइए, और कम से कम जो है 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है एक दिन में। इसके अलावा मीठा भी नहीं खाना है आपको ज़्यादा, और कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा होता है, इससे क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है। और साथ में आप गिलॉय का जूस लेंगे और साथ में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा खासा इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट कम से कम वॉकिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी आप बढ़ा सकते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इधर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा गिलॉय जूस के बारे में, लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस जूस को लेकर तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।